बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 का। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के चैप्टर से हम चल रहे हैं। आज ये लास्ट क्वेश्चन हम एक्सरसाइज का करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हमें स्टेटमेंट गिवन है। टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है जी, साथ साथ मैं थोड़ी डायग्राम बनाती जाऊंगी ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ जाए। सपोज कर लें जी कि ये हमारे पास दो कार्स हैं, ये कार ए है, ये कार बी है। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया और इनके दरमियान वो कहते हैं कि 600 किलोमीटर अपार्ट डिस्टेंस था, यानी ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया 600 किलोमीटर अपार्ट, यहाँ से यहाँ तक। अब वो एक दूसरे की तरफ क्योंकि मूव कर रही है, ये भी मूव कर रही है, ये भी मूव कर रही है, ठीक है, और उनकी जो स्पीड्स में डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर पर आवर का है। चलें उसकी तो हम स्टेटमेंट अलग बना लेंगे। आगे वो ये बताते हैं कि कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स। अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करती रहें और 4.5 आवर्स गुजर जाएं तो वो एक दूसरे से 123 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रह जाएंगी। तो लेट सपोज अब वो इस पॉइंट पे आ गई हैं, ठीक है, आफ्टर मूविंग, तो ये उनका डिस्टेंस कितना रह गया जी 123 किलोमीटर। ये वाला जो है 600 किलोमीटर ये तो पूरा डिस्टेंस था और ये 123 जो है वो सिर्फ ये वाला डिस्टेंस है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सारा सॉल्व करना है। सही हो गया स्टूडेंट्स, तो हम कहते हैं जी के लेट द स्पीड्स ऑफ कार्स बी x एंड y। x और y हमने उनकी स्पीड्स ले ली। अगर हमने उनकी x और y स्पीड्स ली हैं तो हमें एक कंडीशन गिवन थी कि स्पीड्स के अंदर डिफरेंस 6 किलोमीटर पर आवर का है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन गिवन कंडीशन क्या है जी हमारे पास के दोनों स्पीड्स को सब्ट्रैक्ट करें तो 6 आएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये यहाँ से मुझे पता चला है कि स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, तो इसलिए मैंने ये सब्ट्रैक्ट करके 6 लिख दिया। दूसरी अहम बात वो ये कि हम पहले डिस्टेंस चेक कर लेते हैं, डिस्टेंस कितना रह गया है। डिस्टेंस बिटवीन कार्स कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स आप लोग, टोटल डिस्टेंस 600 था, उसमें से जितना ट्रेवल कर चुकी हैं वो हम माइनस का, जितना उनके दरमियान अभी जो है वो डिस्टेंस रह गया है वो हम माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया है। ठीक है, तो ये जी 477 आ जाएगा। ये देखें आपको मैं सब्ट्रैक्ट करके दिखाती हूँ, माइनस 123 477 आ गया है, 477 किलोमीटर पर आवर ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया है। ठीक है, आप लोगों को अगर स्टूडेंट्स फार्मूला पता हो कि डिस्टेंस होता है इक्वल स्पीड इनटू टाइम के, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम हमारे पास किसके इक्वल होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो जी स्पीड हमने क्या ली हुई है, एक्स और वाई ली हुई है, और टाइम हमें उन्होंने कितना दिया था क्वेश्चन में, इस टाइम उन्होंने हमें दे दिया था 4.5 आवर्स दे दिए थे। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे 4.5 एक्स भी क्योंकि एक गाड़ी की प्लस 4.5 हमारे पास हो जाएगा, एक मिनट, प्लस 4.5 वाई इज इक्वल टू 477। ठीक है जी, ये मैंने इसकी इक्वेशन बना दी है। ये मैंने ऐसे क्यों बनाई है, स्पीड मल्टीप्लाई और ये टाइम के साथ, तो ये देखें जी स्पीड मल्टीप्लाई और ये टाइम के साथ, लेकिन जाहिर है हमारे पास दो गाड़ियाँ हैं तो हम दोनों को ऐड करेंगे आपस में। इधर दूसरी गाड़ी की भी स्पीड थी वाई और उसको हमने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दो गाड़ियाँ हैं इसलिए सिर्फ हमने प्लस किए और कुछ भी इसमें नया नहीं, और इक्वल टू डिस्टेंस रख दिया हमने। ठीक है, ये पॉइंट आपने अच्छे से समझ लेना है, स्पीड इंटू टाइम प्लस सेकेंड गाड़ी की स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब ये जो है इसको हम फ्रैक्शन बना लेते हैं, 4 2 8 प्लस 1 ये 9/2x हो जाएगा और ये 9/2y।
अच्छा जी, इसके बाद अब आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास ये 9/2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, 9/2 को कॉमन निकाल लें और अंदर x प्लस वाई रहने दें, इज इक्वल टू 477 हो जाएगा। अभी इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उधर चल के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसको हम आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 477 को 2 के साथ, ये 954 आ जाएगा। और यहाँ जो 9 मल्टीप्लाई हो रहा था उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे चल के उस दूसरी तरफ, जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो डिवाइड हो जाती है, 954 डिवाइडेड बाय 9 ये आ गया जी 106। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 106, ये दूसरी इक्वेशन बन गई आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी जी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। तो हम मैट्रिसेस बना लेते हैं यहीं पर, 1 1 माइनस 1 प्लस 1 एक्स वाई और 6 और 106। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके पास। और अब आप इनको थोड़ा नेम भी दे दें, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो इसको हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्रैमर्स रूल से कर लेते हैं। अगर आप लोगों को दूसरे मेथड्स भी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं सॉल्व कर दूंगी। ये जस्ट मैं इसलिए कि बहुत सिमिलर हो जाते हैं तो मैं बार बार रिपीटेड सॉल्व नहीं कर रही। क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है तो इसका हम लोग पहले डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए का हम लोग डिटर्मिनेंट ले लेंगे, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये इस तरह से सॉल्व होगा, 1 1 जार 1 माइनस ये माइनस 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 क्या आ गया जी 2। फिर एक क्रैमर्स रूल के मुताबिक आपने फिर क्या निकालना होता है, ए एक्स निकालना होता है। ए एक्स क्या हो जाएगा जी हमारे पास, फर्स्ट वाला कॉलम रिप्लेस हो जाएगा कॉन्स्टेंट्स के साथ, तो हम लिखेंगे 6 106 माइनस 1 और 1। और ए वाई भी निकाल लेते हैं, ए वाई में 1 1 रहेगा और ये जो है रिप्लेस हो जाएगा 6 106 बन जाएगा। ठीक है, ए एक्स और ए वाई निकाल लिए हैं, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ए एक्स डिवाइडेड बाई वाई। तो ए एक्स हमारे पास ये है 6 माइनस 1 106 और 1 डिवाइडेड बाई वाई, सॉरी डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, ए का डिटर्मिनेंट 2 आया हुआ है तो हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 106 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 6 माइनस 106 डिवाइडेड बाय 2, 6 प्लस 106 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 112 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, 56 आंसर आ गए। ए की जो स्पीड है जी 56 किलोमीटर पर आवर है। अब हम वाई निकाल लेते हैं, वाई का फार्मूला क्या होता है, ए वाई डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई था जी 116 और 106, इसे भी मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 106 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, ये 106 माइनस 6 हो गया बाय 2, 106 माइनस 6 क्या आएगा 100 बाय 2, तो ये 50 आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो आप नीचे लिख सकते हैं स्पीड्स ऑफ द कार, ऑफ द कार x इज इक्वल टू 56 किलोमीटर पर आवर और कार y इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।